अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है? उसका मैं क्या करूँगा, एन एफ ए बनाऊँगा, ठीक है? तो मैंने कहा कि एग्जांपल्स ऑफ एन एफ ए, जैसे फर्स्ट एग्जांपल माना कि कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ ए, स्टार्ट हमें जो अल्फाबेट दिए गए हैं, टू अल्फाबेट दिए गए, सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी, ठीक है? इसका मुझे क्या करना है, एन ए पे बनाना है, ठीक है? तो जो हमने डी एफ ए बनाए हैं, ठीक है, पिछली वीडियो देख लीजिए स्टार्टिंग से, तो आपको मैंने बताया कि डी एफ ए इसका किस तरह से बनता है, स्टार्ट विथ ए से, कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? अब मुझे इसका एन एफ ए बनाना है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग से देखें, तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ये गारंटी है, ठीक? अब जैसे ये एन एफ ए मुझे, मतलब ये हमें दी गई है लैंग्वेज, ठीक है? तो ये हम इसका एन एफ ए बनाना है। तो कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए, ए से स्टार्ट होनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए, तो ए से स्टार्ट है, ए सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग अल्फाबेट क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, आई डोंट केयर, ठीक है? तो ए पहला होना चाहिए, इसके बाद चाहे बी आए, ए पहला होना चाहिए चाहे इसके बाद बी बी आए, ए पहला होना चाहिए चाहे इसके बाद ए ए आए, ठीक है? डॉट डॉट डॉट, इस तरह से कुछ आ सकती है पॉसिबिलिटी। अब मैं क्या करूँगा, इसका डी एफ ए बनाऊँगा, मतलब एन एफ ए बनाऊँगा, ठीक है? तो मैं किस तरह से बनाऊँगा, ध्यान देना यहाँ, जैसे कोई भी स्ट्रिंग मैंने स्टार्ट की, माना कि सपोज जो ए है हमारा इनिशियल स्टेट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई भी स्ट्रिंग अगर ए से स्टार्ट हो रही है, जैसे ए से स्टार्ट हुई, इसके बाद मैं चेक नहीं करूँगा कि इसके बाद ए आ रहा है या बी आ रहा है, क्योंकि जो स्टार्टिंग जो स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है वो ए होना चाहिए। मैंने क्या किया, जैसे ही उसका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट ए आया, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, मैं चेक ही नहीं करूँगा। इसका मतलब है कि इसका देखो, ए ए एक्सेप्टेड, ए ए फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए, जैसे ही ए आएगा हम यहाँ पहुँचेंगे, इसके बाद अगेन ए, तो मैं ए के लिए यहाँ मूव करूँगा और मैं फाइनल स्टेट भी रहूँगा, इसका मतलब क्या, हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, ठीक? तो स्टार्ट विथ ए का मतलब क्या है, जैसे ही स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हुई वैसे मैं मूव करूँगा और फाइनल पहुँच जाऊँगा, इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक? और मेरी सारी की सारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड होंगी, बिकॉज ऑफ कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हुई, इसका मतलब क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक? तो जितनी भी स्ट्रिंग लिखी हुई है सब सेटिस्फाई होंगी, एक्सेप्टेड होंगी। देखिए ए बी, जैसे ए आया इसके बाद बी, तो बी के लिए मैंने मूव किया, ए बी बी, ए आया बी पे पहुंच गया टू टाइम्स बी, ठीक है? ये हो गया एन एफ ए, ठीक? तो एन एफ ए मैंने कहा है कि इसमें डेड स्टेट नहीं होती है, ठीक? सिंपल जैसी लैंग्वेज दी गई वैसे ही आपको अब एन एफ ए बनाना है, ठीक? अब डी एफ ए जैसे आप बनाए तो यहाँ पर कंडीशंस लगती हैं, ठीक है? यहाँ लिखा हुआ कि स्टार्ट विथ ए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे डी एफ ए, जैसे ये हमारा एन एफ ए, अब डी एफ ए जैसे बनाऊंगा इसका है, तो ए से मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हुई, इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, ऑल द स्ट्रिंग क्या होंगी, विल बी एक्सेप्टेड, मैं इसको एक्सेप्ट कर दी। बट डी एफ एम क्या होता है कि डेट कन्फिग्रेशन, डेट स्टेट होता है उसमें, ठीक? डेट स्टेट होता है, अगर कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुई, कंडीशन यहाँ लगती है, अगर कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुई तो मैं उसको क्या करता हूँ, रिजेक्ट कर दूँ। रिजेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे डेड स्टेट में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सी हमारा डेड, ए कॉमा बी, अगर कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होती है, ये हमारा डी एफ ए, ये हमारा एन एफ ए। एन एफ ए में डेड, इसका कोई झंझट ही नहीं है, कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुई है, जो दिया गया कोई स्टार्ट विथ ए, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए, ठीक है? ये अल्फाबेट दिए गए ए कॉमन भी, तो तुम्हें क्या करना, स्टार्ट विथ ए, इसके बाद चाहे या एच बी, ये हमारा एन एफ ए हो गया। बट यहाँ पर इसके बनाने के बाद हमें ये भी चेक करना पड़ता है, अगर कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुई तो हमें इसके लिए ये रिजेक्ट करेंगे, ठीक? तो ये हमारा डी एफ ए होगा, ये होता है एन एफ ए, ये डी एफ ए, ठीक? ये डिफरेंस होता है, ठीक?
अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल क्या स्टार्ट में थी, अब कंटेनिंग ए, कंटेन ए, इसका मुझे एन एफ बनाना है, तो मैं क्या करूँगा कि कंटेन ए के लिए स्टार्टिंग, जैसे ही स्टार्ट किया मैंने, स्टार्ट में क्या करूँगा, ए और बी के लिए बिगनिंग में चाहे ए आए चाहे बी आए, हमें कोई भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। जैसे ही ए आएगा इसका मतलब ये है कि ए कंटेन कर रहा है, ठीक है, इस आफ्टर दैट बी को एक्सेप्ट करेंगे या फाइनल कर देंगे, इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, ठीक, ये हो गया कंटेनिंग ए का एन एफ, ठीक। यहाँ पर कंटेनिंग ए में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट में इसके चाहे ए आए चाहे बी आए, चाहे ए आए चाहे बी आए, ठीक, बट जैसे ही ए आया इसका मतलब ये होगा कि इस स्ट्रिंग में ए है, ठीक, तो इसलिए जैसे ही ए आएगा ये मूव करेंगे, ठीक, ये ध्यान रखें ए और बी के लिए सेल्फ लूप है यहाँ कंटेनिंग ए के लिए, ठीक, एन एफ में। अब जैसे थर्ड देखें एग्जाम्पल, ये हो गया स्टार्ट विथ ए कंटेन ए कंटेनिंग ए, अब ये हो जाएगा हमारा एंड विथ, एंड विथ ए, इसका मतलब क्या है, इसका एन एफ किस तरह से बनेगा, जैसे कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हुई, ठीक है, एंड विथ, एंड विथ ए, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी स्ट्रिंग उसका जो लास्ट अल्फाबेट है वो ए होना चाहिए, ठीक। यहाँ क्या लिखा हुआ, स्टार्ट विथ ए, कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग अल्फाबेट ए होना चाहिए, ये क्या है, इसका लास्ट अल्फाबेट जो है वो ए होना चाहिए किसी भी स्ट्रिंग का, चाहे वो ए से स्टार्ट हो चाहे बी से, कोई भी स्ट्रिंग चाहे ए से स्टार्ट हो चाहे बी से स्टार्ट हो, बट उसका जो एंडिंग अल्फ़ाबेट है वो ए होगा अगर, तो मैं उसको क्या करूँगा, एक्सेप्ट कर दूँगा, ये हमारा एन एफ होगा, ठीक। हम उसके लिए कुछ भी नहीं, जो दिया गया है वो सिर्फ डायरेक्ट में बनाऊँगा, एंड विथ ए, इसका मतलब क्या, कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो चाहे बी से स्टार्ट हो, बट उसका जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो ए होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, जैसे ही स्टार्ट किया, चाहे कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो चाहे बी से स्टार्ट हो, वेट करेंगे, जैसे ही लास्ट अल्फाबेट क्या आएगा, ए, हम एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक। कंटेनिंग ए में क्या है, बिगनिंग में क्या करेंगे और लास्ट में एंड में, ए और बी के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ वेट, लास्ट में अगर ए और बी आता एक्सेप्टेड, बट बिगनिंग में क्या करेंगे, ए और बी के लिए हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही ए आएगा हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब जैसे ही ए आए इसका मतलब क्या, स्ट्रिंग में ए है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, कंटेनिंग ए, ठीक है, तो ये मतलब इसका, ये याद रखना है यहाँ पर, ए और बी के दोनों के लिए है, ठीक है। अब ये हमारा स्टार्ट विथ ए, इसका मतलब क्या है, कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हुई, इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, मैं क्या करूँगा, ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग को मैं एक्सेप्ट करता रहूँगा, ठीक। ये एग्जाम्पल्स हैं, अब मैं और कुछ एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है।